ये बोल रही। मम्मी जी देखिए खिचड़ी कैसे बनाया, बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा। दोस्तों राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब, उम्मीद करते अच्छा है। मैं सबसे पहले आप लोग का नमस्ते कर रहे हैं, इधर मेरे प्यारे ससुरन जी हैं, तो नमस्ते जी, खुश रहिए खुश रहिए। हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं जी, उम्मीद करते हैं दोस्तों काफी अच्छे होंगे। दोस्तों सुबह हो चुका है, नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं और अपने प्यारा सा ब्लॉग को दोस्तों स्टार्ट कर लिए हैं। आज है नहान, तो सुबह सुबह पूरी फैमिली सब लोग नहा लिए हैं, लेकिन दोस्तों इधर देख सकते हैं हमारी प्यारी सी भाभी जी अभी नहाई, बेबी छोटी है बच्ची, सुबह सुबह भाभी जी से मिलते हैं, भाभी जी का आशीर्वाद लेते हैं और ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इधर देख सकते हैं सुबह सुबह आ चुके हैं भैया जी, और भैया जी को राधे राधे बोलिए, दूध लेकर आए हैं, दही जमेगा। राधे राधे भैया, राधे राधे, बाजा डांस कर रहे हैं दोनों लोग, नहान के दिन डांस कर रहे हैं। आप नहाइएगा नहीं, नहान के दिन नहीं नहाएंगे, गिर जाएगा, गिर जाएगा, ठंडा लो माला, क्या लग रहा ठंडा, नहा वा लीजिए, ठंडा नहीं लगेगा। और दोस्तों देखिए पूरा सर सफाई हो चुका है, मम्मी जी जा रही हैं पूजा करने, देखिए जा रहे हैं अब खेलने, तो आ चुकी इधर प्यारी सी मम्मी जी, तो मम्मी जी का सबसे हम लोग पहले आशीर्वाद ले लेते हैं। खुश रहे खुश रहे, जय श्री कृष्ण बच्चे, राधे राधे, आप लोग कैसे हैं, हमारे प्यारी प्यारी बिटिया बहू कैसी है, नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे है, पूरा दर्शक कैसे है। आज तो नहान के दिन है, नहा हुआ तो फिर फ्रेश हो गई है, आप लोग नहा लीजिए, खाना खा लीजिए, खिचड़ी और दही और सब्जी, हमारे प्यारी प्यारी बिटिया बहू के मांग में सुहाग भरा रहे, गोद में बाबू खेल रहे हैं। मम्मी जी पूजा उजा के लिए पूरा सर सामान लगा लिए, दोस्तों झगड़ा किए थे और आज प्यार कर रहे हैं, आज दोनों लोग का प्यार देखिए, भैया जी का कपार खुजला रहे हैं, की अंगिरा जी झगड़ा नहीं करेंगी, अब झगड़ा नहीं करेंगे, झगड़ा मत करिए झगड़ा, हाँ पैर लग जाता है बाबा, हाँ आँख में क्यों कोची थी, आँख में क्यों कोची, हम नहीं कोचेंगे, माफी मांग रहे हैं सबके सामने, क्या हम नहीं करेंगे, माफी मांग रहे हैं, आप नहीं करिएगा, नहीं नहीं करिएगा ना, चलिए माफी मांग रहे हैं। दोस्तों उधर मम्मी जी का चल रही है पूजा पाठ, देख सकते हैं सुबह सुबह जो है खिचड़ी का, मतलब खिचड़ी का दिन नहीं है दोस्तों, नहान का दिन है, और नहान के दिन में देख सकते हैं अंगिरा जी क्या बनाई है, खिचड़ी बनाए दोस्तों और सब्जी बनाया और दही जमाया, आपको तो पता है कल के ब्लॉग में हम लोग दही जमाए थे तो जम गया है, तो आप लोग भी आकर खा लीजिए, नहान के दिन दही और खिचड़ी बहुत अच्छा लगता है। और देख सकते हैं दोस्तों इधर स्वादिष्ट सब्जी बना है, देख सकते हैं आलू गोभी का सब्जी, और देखिए यहाँ पर आलू गोभी का सब्जी बना है खूब अच्छे से, और इधर बनाया है भाभी जी सब्जी बनाई है आज, इधर देख सकते बनाया है दोस्तों दही जमा है, देख सकते हैं एकदम साड़ी की तरह साड़ी है, इसमें किसको किसको खाना है कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ ये सबसे मस्त लगता है आज के दिन खिचड़ी का, नहीं खिचड़ी का दिन भी खिचड़ी अच्छा लगता है, और नहान के दिन दोहराया जाता है। हाँ और मम्मी जी उधर देखिए दोस्तों क्या कर रही है, मम्मी जी सीधा रख रही हैं, सीधा उधर छू लियो आप, हम सीधा छू लिया, छू लीजिए, खिचड़ी स्वादिष्ट बनाया, मम्मी जी आ गई हैं, मम्मी जी मतलब सब लोग टेस्ट करेंगे कैसा की, मम्मी जी देखिए खिचड़ी कैसे बनाया, बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, मम्मी जी को सबसे पहले दीजिएगा खाने के लिए, खाने में बहुत अच्छा लगे, पूरा बच्चे का पूरा प्यारी प्यारी बिटिया बहू का हम लोग खिला रही है, देखिए कंगी कर रही है, झगड़ा जुट्टी खत्म हो चुका है, देखिए हाँ पूछिए अंगिरा जी अपने घर जाएगा डांस कराइएगा, आप कैसे कीजिएगा, हाँ कल कह रही है अब नहीं मारेंगे, नहीं कुछ हो जाएगा तो कौन बहनी के शादी करेगा, अभी इनको समझ आ चुका, मारने के बाद मारपीट कर लेते हैं लोग, चलो कंगी कर दीजिए ठीक है। तो दोस्तों गर्मा गर्मा खिचड़ी तैयार हो चुका है और सबके लिए निकलना खाने के लिए, आप लोग भी आइए दोस्तों खाना खा लीजिए, प्यारे से हाथों से मम्मी जी निकलवा रही हैं, बोल रही हैं कि हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं सब लोग नहान के दिन खिचड़ी और दही आकर सब्जी खा लीजिए, जो देखती है हमारी प्यारी प्यारी बिटिया बहू आप लोग कह रहे हैं, ये देखिए स्वादिष्ट खिचड़ी बहुत अच्छा, हाँ हाँ कह रही है, हाँ हाँ
खिचड़ी हमारे घर खा लीजिए, आज वीडियो का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा का हो पंची के तरह आप लोग बात मान नाम पढ़ रही है। कौन पैसा कमाएगा, बड़ी शादी कैसे होगा, कैसे पढ़े लिखेंगे। आप लोग से कह रही है, आप लोग सहारा हो जाइए कि हमारे बच्चे सब पढ़ने लिखने की तैयारी बना। तो सारा पार्टी खाना ही खाने में स्टार्ट हो चुका है और हम लोग भी खाने जा रहे हैं। मम्मी मम्मी सब लोग बैठ चुके हैं खाने के लिए। देखिए मम्मी यहाँ पे बैठ चुकी हैं, अपना भी खाना वाना निकल चुका है, भाभी जी ला चुकी हैं पानी। दोस्तों यही अपना फैमिली व्लॉग होता है। बाकी आप लोग बॉक्स में बताइएगा कि मेरा फैमिली ब्लॉग दोस्तों कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, आप लोग बताइएगा। और दोस्तों बहुत सारा कुछ रीज़न थे तो इसके कारण यार वीडियो नहीं अपलोडिंग कर रहे थे। फिलहाल मैं अभी अपने आप को कंटिन्यू करने का प्रयास कर रहा हूँ, और ज़्यादा दिन छूट गया था ना तो इसलिए दिक्कत होता था। देखिए वो अबू सब ला के दे दिया, दे दीजिए खट्टा खट्टा। ओ मुंह में किसके किसके पानी आ चुका, सबके मुंह में पानी आ जाता है। खटाई नहीं, खट्टा मत दिखाइए, नहीं बच्चे सब हम लोग के खट्टे कर देंगे। अरे ऐसा बात नहीं है मम्मी जी, खाने वाला चीज है। दर्शक देखते हैं सब लोग प्यार देते ही रहते हैं, चाहे नींबू दिखाइए चाहे आम दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दही का सूप कर लीजिए। चलिए मम्मी जी आप भी खा लीजिए। खाना स्टार्ट कर दिया कर, ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्या बोल रही है जी, क्या हुआ, स्वादिष्ट कैसा पूछिए गिरा जी, टेस्ट कैसा करिए, बढ़िया बनाई है। लीजिए आप आपके लिए भाभी ने खाना बनाने के लिए लेकर आ चुकी है लकड़ी। गैस भी नहीं है, लकड़ी भी नहीं है। तो लकड़ी को ये जलेगा, ये कौन सा लकड़ी है, रेड़ है। रेड़ जलाया जाता है, गोबर फेंकी है मम्मी जी और लकड़ी वगैरह लेकर आ रही हैं और इसको जा रही हैं सफाई करने के लिए, आग जलाने के लिए। इसके इधर ही रख दीजिए। दोस्तों देखिए भाभी जी बेचारी लगी रोने फूट फूट के, देख सकते हैं दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इधर मेरी भाभी जी बहुत ज्यादा रो रही है। पूछिए क्या हुआ है, बोल रही है अपने मायके जाने, क्यों रो रही है, क्यों रो रही है, पूछिए नहीं रही है, देखिए ना क्या हुआ, क्या हुआ बता नहीं, जान रहा क्यों रो रही है, बोल रहे हैं कि जल्दी से कपड़ा किना जाए, जल्दी से मतलब काम का किना जाए, हम अपने घर जाए। क्या हुआ, क्या हुआ, जाने के लिए बोल रही है। पूछिए अंगिरा जी क्या क्या खरीदाएगा तब जाइएगा, हम लोग खरीद देंगे। क्या क्या खरीदाएगा बाबू के ब्याह में, क्या क्या खरीदाएगा, क्या क्या मम्मी जी किनेंगे ऐसे ना खूब अच्छा से तब न जाएंगे। मत रोइए, देखिए दोस्तों चुपवाना पड़ता है बार बार इनको, बेचारी लगती है रोने के लिए। दोस्तों क्या बताया जाए, बहुत ज्यादा हम लोग परेशान हो जाते हैं। दोस्तों देख लीजिए अभी कपड़ा अपना बेचारी धुली है, कपड़ा अपना धुलने के बाद और मम्मी चली गई है खेत, तो खेत जाने से लगी है रोने के लिए। इतना समझाया जाता है कि मत रोइए मत रोइए, लेकिन क्या किया जाएगा, घर में थोड़ा बहुत परेशानी चल रहा, बहुत ज्यादा परेशानी चल रहा दोस्तों। भैंस का भी तबीयत खराब था ना घर पे, वहाँ पे डॉक्टर आया था, दवा हुआ किया, उसमें भी हम लोग काफी परेशान है, यही सब दिक्कत है दोस्तों, क्या बताया जाए। खरीदा जाएगा मत रोइए, नदी में चल जाइएगा।